आज हम बात करेंगे बुल मैस्टिफ की क्वालिटी के अंदर, बुल मैस्टिफ हेड के बारे में। बुल मैस्टिफ एक ऐसी ब्रीड है जिसके अंदर उसका हेड ही सबसे मेन फीचर है, उसके बाद बॉडी के बाकी पार्ट्स को देखा जाता है। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूरापुल कैनल। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, शो क्वालिटी बुल मैस्टिफ, गुड क्वालिटी बुल मैस्टिफ और पेट क्वालिटी बुल मैस्टिफ की क्वालिटी में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं क्वालिटी को डिफाइन कर सकूं और लोगों को इजीली समझ आ सके। बुल मैस्टिफ क्वालिटी की शुरुआत उसके हेड से होती है, क्योंकि हेड का फीचर्स बुल मैस्टिफ को बाकी ब्रीड से अलग करता है। बुल मैस्टिफ की ओवरऑल क्वालिटी के बारे में इस वीडियो के आखिरी में मैं एक बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। जो स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करेंगे ये अमेरिकन बुल मैस्टिफ एसोसिएशन की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ईयर्स, आईज, फोरहेड, मजल, स्टॉप और उसके गाल फ्लॉज। बुल मैस्टिफ का एक्सप्रेशन अलर्ट और इंटेलिजेंट होना चाहिए। आंखों की पोजीशन ना तो दूर होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा क्लोज होनी चाहिए, ये मॉडरेट होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए और थोड़ी सी डीप होनी चाहिए ताकि काम करते टाइम ब्रशेस के अंदर आंखें सेव हो सकें। कान वी शेप के होने चाहिए जिनका लेवल फोरहेड के साथ होना चाहिए और ये चिक्स के क्लोज होने चाहिए, बहुत लंबे कान नहीं होने चाहिए, कान मीडियम साइज़ के होने चाहिए और ये डॉग के लुक के अंदर स्क्वायरनेस के लिए हेल्प करना चाहिए। बुल मैस्टिफ का स्कल उसके स्ट्रेंथ को शो करना चाहिए ताकि अगर जब डॉग किसी को ग्रैब करे तो उसके मसल्स इतने स्ट्रेंथ, इतना उनके अंदर मजबूती होनी चाहिए कि उसको वो होल्ड कर सकें। अगर मसल की बात की जाए तो मसल ओवरऑल हेड के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो स्क्वायर इन ए स्क्वायर शेप में होना चाहिए। मसल का प्रपोर्शन बाकी हेड के प्रपोर्शन में 1/3 होना चाहिए। इसके नाक के नॉस्टल्स खुले हुए होने चाहिए ताकि काम करते वक्त डॉग को सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। इसके गाल का शेप ज़्यादा लटका हुआ नहीं होना चाहिए, इससे डॉग के लुक के अंदर स्क्वायरनेस चली जाती है। इस पिक्चर के अंदर मैंने बुल मैस्टिफ को नट शेल में दिखाया है, इसके अंदर क्या बड़े बड़े फॉल्ट्स होते हैं वह भी आप देख सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स मेरे ब्रीड के हुए बुल मैस्टिफ्स की हैं, मोस्टली इसमें फीमेल्स हैं और इनके हेड को आप एग्जामिन कर सकते हैं और देख सकते हैं। एक पिक्चर इस पपी की भी है जो इसमें 7 मंथ्स का है। आप ब्रीड स्टैंडर्ड के बारे में और डीप में जानना चाहें तो इस वेबसाइट में जाके उसको डीप स्टडी कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए गुड डे।